हेलो। हेलो कौशिक सर, कैन यू प्लीज सेंड मी अ रिक्वेस्ट टू ज्वाइन। हेलो हेलो कौशिक सर, हाउ आर फाइन, प्रियंका यू? आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच यू आने के वेलकम। लिए। जी, तो सर मैं जानना चाहती थी कि आपने अभी जो रिसेंटली फिल्म बनाई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली एक फिलोसॉफिकल थ्रिलर है, मतलब हम लोगों ने साइकोलॉजिकल थ्रिलर और थ्रिलर के कई भाग हमने देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिलोसॉफी इटसेल्फ एक ऐसा मतलब रोमांचकर चीज होता है, फिलोसॉफी दर्शन, क्योंकि फिलोसॉफी आगे रहता है विज्ञान का, पता है ना? पहले हम देखते हैं, उसके बाद विज्ञान को लेकर उसकी तरफ भागते हैं, तो जाके वो यानी दर्शन बड़ा होता है, आगे होता है। तो ये दर्शन का जो थ्रिल है वही मैं इस फिल्म में डाला हूँ। ये भाव जगत, वस्तु जगत, हमारे टाइम डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, और उसके साथ हम लोग का दिमाग, ये सब मिलके, जैसे हम लोग ये फिजिक्स और बायोलॉजी में हम लोग कैसे जुड़ जाते हैं एक साथ, और हम जो रिएक्शंस देते हैं, खाते हैं, पीते, उठते, सोते हैं, ये सब में हम कैसे इन्वॉल्व होते हैं, और इसके लिए एक ऐसा ही जी फिलोसॉफिकल थ्रिलर है। फिलोसॉफी भी है और उसमें थ्रिल भी है। मुझे बताएंगे कि आपकी मूवी जब आप बना रहे थे तो आपको क्या डिफिकल्टीज फेस हुई? कोई कुछ हाँ, चैलेंज फेस हुआ आपको या क्या? चैलेंज तो बहुत सारे फेस हुआ। पहले ये सब्जेक्ट ही बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में आफ्टर लॉकडाउन लोग मतलब जीना चाहते हैं, क्योंकि वो मर रहे थे घर में, हम सब मर रहे थे घर में, डर के मारे, बीमारी के डर से, या फिर कुछ आसपास से जितना भी वातावरण हुआ था, तैयार हुआ था। अब जाके पुष्पा बोलिए या फिर पठान बोलिए कि लोग ऐसे फिल्म देखना चाह रहे हैं जो लार्जर देन लाइफ है, जो जिंदगी में नहीं मिलता है, वो हॉल में जाके उसको मिले और वो खुश रहे, शांति से रहे, सबको लेकर एक साथ झुंड बनकर फिल्म देखे, आवाज लगाए। ये वाला रिस्क मुझे लगा कि छिपकली में ऐसा कुछ नहीं है, ये टॉकेटिव है, एक कॉन्वर्सेशनल पूरा फिल्म है, और बस दो ही बंदे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे दिन भर। तो मुझे तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहा कि ये फिल्म को मैं अभी बनाने वाला हूं, और जहां से वातावरण हो, जहां पर लोग जीना चाह रहे, पहले मस्ती करना चाह रहे, मुझे साफ बोले तो ये इसमें मस्ती है, लेकिन इसमें दिमाग वाले मस्ती है, आंखों की मस्ती कम है इसमें, और क्योंकि दिमाग में जो चप चलता है मस्ती, वो आजकल हम लोग का दिमाग क्या हो गया कि हम लोग मीडिया जो दिखाते हैं या फिर जो सुनाते हैं उसके अंदर ही घुस जाता है, लेकिन दर्शन और जीवन बोध जिसको कहते हैं, उसको कौन सुनना चाहता है, कौन जानना चाहता है, या फिर क्राइसिस या फिर क्या होना चाहिए जिंदगी में, ये ज्ञान हो जाता है। तो ये सब मेरे लिए चैलेंजिंग लगता है कि मैं इसको लेकर फिल्म बना रहा हूँ, और दो ही बंदे हैं जहाँ पर एक को बड़ा स्टार है, एक्टर है जो लोग कैरेक्टर की है, ये सब मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा। ये माहौल में जैसे वातावरण में अब जाके फिल्म निकल रहा है, साउथ की मूवी बढ़िया मतलब ऑडियंस पुल कर रहा है, तो ये था। सोचना मुझे सुना नहीं इधर, शायद नेटवर्क का कुछ दिक्कत है इधर, और अगर प्लीज रिपीट। कि आपकी स्टोरी से ये पूछना चाह रही थी कि जब आप एक स्टोरी या एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऑडिबल, जब आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपको अपनी टीम को कन्विंस करने में कभी कोई इश्यू आता है?
बहुत इजीली कन्विंस हो जाते हैं। सॉरी, मुझे इश्यू आता है बस इतना, शायद मेरा ही। हाँ सर आप साइबर पॉलिसी तेज करके देख लीजिए। आपसे शायद मेरे नेटवर्क यहाँ वीक से आ रहा है। कनेक्टिविटी हेलो प्रॉपर आ रही है पर आप अपने, हेलो, सर मेरे यहाँ पे तो प्रॉपर सिग्नल्स आ रहे हैं तो अच्छा सर आवाज आ रही है। और एक बार आप पूछिए, अब आ रहा है आपका पर पिक्चर आ रहा है। अब आपकी, आपको मेरी आवाज आ रही हाँ, है? आवाज आ रही है। हाँ जब आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आप अपनी टीम को कैसे कन्विंस करते हैं स्क्रिप्ट के लिए? हाँ कोई इश्यू मैं रेज करते जब हैं उस टाइम पे? हाँ मैं जब कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तब से मेरा जो स्टूडेंट्स है, मैं थिएटर करता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स है, मेरे दोस्त है, क्रिएटिव दोस्त है, 1.5 साल पहले से मैं पहले वो सब्जेक्ट उसके दिमाग, उन लोगों के दिमाग में मैं घुसा कि मैं इसको लेकर सोच रहा हूँ, और आजमाता कि वो क्या सोच रहे इसको लेकर। ये जो चलता है, ये जब ना जो भी तैयार हो जाए धीरे धीरे, की कौशल या फिर कोई ये करने वाला है और हमें करने वाला है। और मैं जब स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तभी वो पूरा फिल्म मेरे दिमाग में छप जाता है, बन जाता है, इसके साथ एडिट्स के साथ और बीजीएम के साथ भी, कि कहाँ पर बीजीएम रुकेगा, कहाँ पर नहीं होगा, एंगल्स कहाँ होगा, और सभी मैं तैयार कर लेता हूँ। तो ये मेरा काम करने की मतलब धारा है, और मुझे अच्छा भी लगता है ऐसे काम करने का। तो ये स्क्रिप्ट लेवल में ही मेरा पूरा फिल्म बन जाता है, और इसीलिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होता है जब मैं शूट करता हूँ तब। और क्योंकि मैं इस फिल्म में शूट करने से पहले 25 दिन, 25 दिन में हम लोग वहां पर जो लोकेशन, पूरे टीम, डायरेक्टर, जीओपी, एडिटर, म्यूजिक कंपोजर, मेरे एक्टर्स लोग, मेरे जो एक्टर्स है, जो आर्ट के बंदे हैं, हम लोग जिसको बोलते हैं जापन, एक साथ रह के खा के पी के खुद खाना पकाते थे हम लोग, जैसे थिएटर होता है, एक माहौल बनता है। ऐसे 25 दिन सब घर छोड़ के आ गए थे बस लोकेशन में, और उसके बाद हम लोग शूटिंग जब कर रहे थे, करने वाले थे, उसके पहले ना एक फिल्म पूरा रेडी, पूरा बस शूटिंग में एक्टर को लाओ, टेक्नीशियंस को बुलाओ, और इसे जैसे हम लोग 25 दिन में तैयार किया है छाप दो, बस इस तरह से हम लोग मतलब ये को आगे बढ़ाए, और ये स्किप के साथ। हाँ जी, और रिपीट प्लीज। कहा कि आपको एक डेट को तैयार, एक डेट साथ में बनाते हैं जिससे पहले आपके सेटअप तो पर ऐसा हुआ है आपके साथ कि सब प्लान कर नहीं हो पाते हैं काम रहते हैं? मुझे ना सवाल सही सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, बहुत अब आ बहुत रही है लाचार महसूस कर रहा हूं मैं कि आपको वॉइस उसमें तक नहीं आ रहा है ड्यू इंटरनेट। एक मिनट, जी। हाय, हाँ, अब बोलिए प्लीज, और एक बार रिपीट कीजिए। मैं आपके, जैसे अभी आपने बताया कि आप 1-1.5 साल स्क्रिप्ट तैयार करने में बनाते हैं, फिर 25 दिन पहले आपकी पूरी एंटायर टीम उसको प्लान आउट करती है, तो जब आप उसको प्लान आउट करते हो तो कभी ऐसा आप क्या करते हो काम रहने के लिए जब वो एज पर योर प्लान के हिसाब से नहीं होता है होता है, कैसे वो मैनेज करते एकदम हैं? होता है कि हाँ, नहीं होता है ऐसे, मेरे साथ एक बार भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, मैं एक थिएटर प्रैक्टिशनर हूँ, तो ये जो कौन किस किस मामले में नहीं होता, वर्कआउट नहीं करता है, ये मेरा इतना एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है, मैं खुद से ही सिखाऊँ कि मेरा से मुझसे क्या गलती हुआ पहले काम में थिएटर में, और जब मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ और फिर दूसरे भी कम्युनिकेट नहीं कर, तब तब जाके ऐसा प्रॉब्लम बनता है। तो ये सब ना मैंने पूरा पहले प्रॉब्लम का भी, प्रोडक्शन डिजाइन डिजाइनर भी मैं हूँ और मेरा बाकी दो दोस्त है, तो ये सब प्रोडक्शन डिजाइन में मैं पहले से मतलब रेडी कर लेता हूँ। जैसे मानो बहुत साधारण बात है, फिल्म के दर्शक को ये सब पता नहीं चलता है, जैसे देखो कि हम लोगों ने टेक्नीशियंस रहेंगे कहाँ पर रहेंगे, या फिर सब कर्मचारी रहेंगे,
तो जहां रहेंगे वहां पर अगर 6 बजे कॉल टाइम है, तो अगर मानो कि एक रूम में मैं 4 बंदे को भेज दिया, तो बाथरूम एक कॉमन है ना, तो 50% कितने घर में रहेगा तो बाथरूम कितना होगा। तो मैं अगर एक एक बंदे को अगर तैयार होने के लिए 10 मिनट भी लगता है, और हमको उसको अगर 6 बजे कॉल दिया, तो एक बाथरूम में जाके 4 जना जब जाएगा तो 4 15 से आपसे 1 घंटा निकल जाएगा, हो ना। तो ये सब भी मैं उसके डिजाइन के साथ मैं रेडी बिल्कुल करता हूँ। ये छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अब अगर वो बाथरूम से निकल के उसको क्या क्या समस्या हो सकता है बाथरूम को लेकर, अगर ये मैं ध्यान में रखता हूँ, तो आप सोचिए कि अब खाना सोना पीना और शूटिंग के बारे में तो एकदम मतलब, इसीलिए 25 दिन पहले मैं मतलब चले गए थे और सबको पता था, इसलिए वो परेशानी नहीं आया। और बहुत मतलब जैसे मक्खन में चलता ना गरम छुरी, क्योंकि मैं गरम करने के लिए 25 दिन ले लिया था पहले, और 1-1.5 साल पहले उसको उसके उन लोगों के दिमाग को भी गर्म किया था धीरे धीरे, तो ये सब आसानी से हो गया मेरे साथ छिपकली के मामले में। तो सर, जब आप ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, तो आपको ये छिपकली द थर्ड पर्सन नाम हाँ कैसे हाँ ध्यान में ये आया हाँ कि मुझे यही टाइटल रखना ये है? छिपकली जो है, छिपकली का दो शब्द, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, छिपकली मतलब बंगाल में बोलते टिकटिकी, तो हम लोग ना छिपकली डिटेक्टिव को भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर हाँ अच्छा, बंगाल जो लिटरेचर है उसमें बहुत सारे ऐसे डिटेक्टिव कैरेक्टर्स, जो आपको ये पता जरूर है कि ब्योमकेश बख्शी, ये एक बहुत फेमस टीवी सीरियल था। तो हम लोग बंगाली में या फिर दुनिया के कई जगह पे ऐसे छिपकली के साथ जो डिटेक्टिव हो उसको मार्च करता है, ये तो एक कारण है। ये बाहर का कारण मतलब सब हर 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 चीज का एक बाहरी अर्थ होता है, एक अंदरूनी अर्थ होता है। अब ये छिपकली हो गया, डिटेक्टिव के साथ साथ जो उसका सिमिलरिटीज होता है ये बात, ये छुप के रहता है घर में, वही रहता है, कोई जब नहीं रहता तो सीसीटीवी की तरह एक 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 प्राणी तो रह ही जाता है। और आपको अगर पुराण के बारे में आपको पता है जरूर है कि खना खना एक चरित्र है पुराण की, पौराणिक चरित्र खना, तो वो जब बोलता है तो वो ठीक ही होता है। तो उसके साथ हम लोग के शास्त्र में छिपकली को जुड़ा हुआ है कि खना ये छिपकली का एक रूप है ना। तो उस हिसाब से मैंने वो फिलोसफी इसमें, वो पौराणिक फिलोसफी मैंने इसके डाला अब आम जिंदगी में, और मैंने ये डिटेक्टिव कहानी को, ये फिलोसफी को, इसलिए मैं फिलोसफिकल थ्रिलर बोल रहा था इसको, ऐसे जोड़ा कि ये छिपकली का जो बाहर की मतलब पता चले डिटेक्टिव वाला, और अंदरूनी जो पता है कि जो, और मैं मेरे सिवा और शायद मेरे जो सेकंड पर्सन होता है मेरे साथ कोई है, लेकिन हम लोग इसको देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन होता है छिपकली घर में हो जो जो सब, और क्योंकि दीवारों पर भी कान होता है, मतलब बोलते हैं ना, और दीवारों पर बोल रहे थे हाँ, और दीवारों से बिल्कुल साउंड बिल्कुल पासिंग होता है, लाइट अटक जाता है लेकिन साउंड पास होता है। तो ये लाइट्स साउंड, ये भाव जगत वस्तु जगत, ये छिपकली, ये थ्रिलर, ये सब मिला के ना, एक आप छिपकली को ना एक पूरा फिल्म जैसे हम लोग देखते हैं वैसा नहीं है, ये थिएट्रिकल थिएटर और फिल्म को मैंने मार्च किया, थिएटर को मार्च किया, तो ऐसा अच्छा, बेसिकली क्योंकि हम लोगों में तो छिपकली घर में भाई बहनों को बोला जाता है, अच्छा वो देखो छिपकली है। तो जब आप ये डायरेक्ट कर रहे थे छिपकली द थर्ड पर्सन, आपको आवाज आ रही है, हाँ आ जाए। तो आपको क्या, आपने क्या चैलेंजेस फेस करे? चैलेंजेस बस चैलेंजेस इतना फेस किए कि हम लोग के पास जितना बजट था, और बजट मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि ये एक बड़ा टीम का काम है, और इतने दिन हम लोग वर्कशॉप किए हैं, रहना खाना ये सब तो चैलेंजिंग था बजट के लिए। और शूटिंग में 2 शिफ्ट में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मतलब फुटेज निकालने थे पर डे, ये मेरे लिए चैलेंज कि हाँ मैं कह जितना प्रोड्यूसर्स ने मुझे जितना लिमिटेशन दे दिया है और फिल्म का जितना वॉल्यूम है वो सब को मैं एक साथ कैसे मिलाऊं, ये मेरे लिए चैलेंजिंग था चीज के लिए, बस ये चैलेंज था। तो सर, आपकी इंटायर लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मतलब क्या चीज आपको मोटिवेट करती है कि मुझे ये करना है और मैं ये कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा? कैसे? अगर मैं खुद को दिखा रही हूँ तो किसी को और दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं होता है, पहले खुद देखो कि मेरा जो दर्शन है मैं क्या सही देख रहा हूँ, तो ये तो बात ठीक है। और दूसरी बात, मैं मानता हूँ कि मैं निमित्त हूँ, मतलब मैं मात्र हूँ, मीडियम हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला, कि जो प्रकृति से जो ज्ञान मिलता है थ्रू द इंद्रिय, हम लोग जो पंच इंद्रिय होता है, जी और ये जो फिजिक्स होता है लाइट साउंड,
ये भी शर्ताधीन होता है ना, क्योंकि लाइट स्पीड ज्यादा है, साउंड थोड़ा कम है, आंखें लाइट को पहले देखते हैं, कान पीछे जाते हैं, तो रियल टाइम कौन होता है? ये जो घड़ी होता है ये तो टाइम नहीं होता, ये टाइम नापने की मशीन होता है ना। तो 1 सेकेंड आपके पास, अगर 1 सेकेंड हो बिल्कुल तो ये पास में कई बंदे ऐसा है जिसके पास और भी तेज जाता है, जैसे एक तो इसके भी चार रहते हैं, तो मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि टाइम है उसको लेकर भी एक कहानी है उसके लिए कि स्वर्ग बॉल सचिन जी, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताएं, मतलब बहुत शॉर्ट में, कि जब आप ये छिपकली को बना रहे थे, मूवी को, फिल्म, जब आप ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, तो आपने क्या सोचा कि बाकी फिल्मों से कैसे अलग है, मतलब ऑडियंस को कैसे पसंद आएगी? वो हम लोग का जैसे घड़ी का पास, जैसे हम लोग बचपन से बाप बाप ने हेलो, सेट किया है, ऐसा सेटिंग नहीं है उसका, ऐसा यहाँ पे मान लो माइकल शूमाकर, उन लोग का पल्स कुछ अलग जाता है और पल्स जाता है वो पार फ्रेम वो ज्यादा नोटिस करता है, सब जगह तो सचिन बनता है कोई नहीं बन पा, तो हाँ तो ये सब, क्योंकि ये रोशनी, ये शब्द, ये टाइमिंग्स, ये सेंस और हम लोग का दिमाग जो टाइम मशीन होता है, कि आप लाइट से भी फास्ट है हम लोग का दिमाग है ना, क्योंकि आप अगर सोचते हो कि अभी आंखें बंद कर चांद चले जाओ तो आप चांद चले जा सकते हो, आंखें बंद कर चांद चले गए, मन में चले गए, दिमाग से चले गए, तो ब्रेन इज द टाइम मशीन, दिस इज माय फिलोसफी और दिस इज मेरा एक नया थियोरी भी है जिसके ऊपर ही कहानी पूरा आधारित है कि सेकंड और जो घट रहा है जो सच अच्छा, में हो रहा है कि नहीं, मतलब तो हम लोग बहुत सारे ऐसे कुछ देखते हैं लेकिन वो होता नहीं, और होता है बहुत कुछ जो देख नहीं पाते, यानी आंखों में देख के बस। हाँ नहीं तो देखा। ये सब लेकर ना मैंने एक खिचड़ी बनाई, खिचड़ी इसलिए बोल रहा क्योंकि अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि मेरे पास ट्रेंड ही ये था। तो जैसे मैंने जी, जैसे मैंने अभी इसका ट्रेलर देखा था, बहुत अमेजिंग था। मतलब मैं लिटरली जा रही हूँ इसको देखने थिएटर्स में, थैंक जिस यू दिन ये रिलीज हो रही है। फर्स्ट डे, थैंक फर्स्ट शो, फर्स्ट यू। शो। तो आप मुझे ये बताइए, ये इसको मैं हॉरर मूवी में काउंट हाँ ये करूं या बहुत सस्पेंस बहुत फिल्म में? मजेदार का सवाल है, थैंक यू फॉर दिस। ये हॉरर तो नहीं है लेकिन अब मैं आपको अपने इंटरस्टेलर देखा, थ्रिलर हाँ थ्रिलर जरूर तो है, सस्पेंस है, नहीं हॉरर में है थ्रिलर कि है। नहीं है ये भी एक सवाल है। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर इंटरस्टेलर आपने देखा है, हाँ इंटरस्टेलर में एक थ्योरी में दो डायमेंशन में जब आखिर का सीन, अब सोचो जो वो बच्चे का जो पाप है वो अलग से डायमेंशन में दूसरे प्लेनेट में फंस गए, तो वो अपने बच्चे को देख रहा है और वो बुलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं बुला पा रहा है, वो घड़ी का टिक टिक उसके नॉक कर रहा है, वो किताब गिर जाता है, तब जाके घोस्ट वाली थ्योरी इंटरस्टेलर में एक नया फिलोसोफर के साथ उसको मार्च कर रहा है ना, तो विज्ञान इसलिए और विज्ञान पीछे है दर्शन आगे है, तो जैसे तो वो जाके इंटरस्टेलर में घोस्ट थ्योरी को वो ऐसे विज्ञान के जरिए वो हम लोग के पास पहुंचना चाहते हैं, तो मेरा भी ऐसा ही, कोई हॉरर नहीं है लेकिन सब है, सब कुछ है, एनर्जीज नेगेटिव पॉजिटिव टाइम डायमेंशन में और एक सूक्ष्म स्थिति में हर कुछ घटता है, जो इंद्रियों से पकड़ लेता है उसको ज्यादा दिखता है, जो नहीं पकड़ लेता है वो सिर्फ मोबाइल में दिखता है ना, और ये भी मोबाइल का जमाना है, कॉर्पोरेट में जो दिखाता है वही हम लोग देखते हैं, तो ये हॉरर तो नहीं है, हॉरर है कि नहीं? क्योंकि ये चीज हमने रियलाइज करी है कि हम मूवी देखने जाते हैं और हम इंस्टेंटली जज कर देते हैं मूवी अच्छी है या बुरी है या ठीक ठीक है, लेकिन उसके पीछे के एफर्ट्स, उस मूवी को बनाने में उनके पीछे मेहनत, जितने लोग उसको एडिट करते हैं, फोटोज करते हैं, ग्राफिक्स हैं, डायरेक्टर है, स्टोरी है, सब कुछ है, एक्टिंग है, नहीं वो वो लोगों आना को नहीं नजर आता। नहीं चाहिए, तो आपके उसमें आप वो आना भी हाँ नहीं चाहिए। आना भी नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ दर्शक को ये दाग लेकर सिनेमा में आना नहीं चाहिए, दर्शक क्यों देखेगा, दर्शक खुश रहने के लिए हॉल में आता, बट उनको डेडिकेशन दिखनी चाहिए, जो इतनी मेहनत है, जिन्होंने इतनी मेहनत से एक्टिंग करी है। और वो थ्रिलर में तो मुझे लिटरली दिख रहा है कि द मूवी इज डूइंग वेरी अमेजिंग इन अ ट्रेलर, तो क्या ही करेगी थिएटर्स में, आई एम वेटिंग फॉर इट। बट आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को क्यों जाना चाहिए, मतलब ऐसा क्या है कि दे डोंट वांट टू हाँ मिस, देखो हाँ दे शुड नॉट मिस द मूवी? ये यही बात, ये पहले तो एक है कि ऑडियंस क्यों, ऑडियंस को ना मेहनत नहीं दिखना चाहिए, आप मान लो कि क्रिकेट मैच चल रहा है और कोई क्रिकेटर 50 ओवर तक टिका है लेकिन उसका स्कोर बोर्ड में 20 रन आया, तो ये मेहनत दिखा के कोई फायदा नहीं, आठ मेहनत को छुपाएगा,
आर्ट आपको प्यार देगा, आपको आप जो बाजार में आपका जो बिखरे हुए जिंदगी आप हॉल में क्यों आते हो, थोड़ा सुख पाने के लिए, सुकून पाने के लिए, हाँ थोड़ा मस्ती करने के लिए, थोड़ा अच्छा रखने के लिए कुछ। अब वहीं पर अगर आपको मेहनत दिखे बहुत और ऐसा आपको बहुत बाप रे बाप बहुत एफर्ट दिया है, इस फिल्म को सपोर्ट करते हैं, प्लीज मत करो ऐसे साथ। अगर आपको दिमाग को ये भाता है और आपको लगता है कि ठीक है चलो बहुत देख लिया, बहुत धमाका देख लिया, बहुत गाड़ी उड़ गए, बहुत सारा एक्शन हो गया, ये सब के बाहर दिमाग के लिए, सोचने के लिए, जिंदगी के लिए कुछ दर्शन है चाहिए तो प्लीज देखो। और अगर लगता तो है ये एंटरटेन भी नहीं कर रहा है, सिर्फ ये प्रबंध के जैसे हम लोग प्रबंध पाठ करते हैं ना, वो बहुत सूखा होता है, इन्फॉर्मेशन तो अच्छा देता है सूखा होता है, मैंने ऐसे सूखा बात नहीं छोड़ा। आपने शायद वो धुमा पर गाना देखा है, ऐसा नहीं कि गाना इम्पोज है, गाने के अंदर वो पूरा फिलोसॉफी पूरा थियोरी लगा हुआ है और मक्खन की तरह चलता है। मैंने बोला कि थिएटर और फिल्म को मैंने मार्च किया है, तो ये नया अच्छा लगेगा कि नया भाषा है। और बिल्कुल मुझे जब भी कोई गॉनर मतलब कोई पूछता है कि कौन से जॉनर गॉनर का होता है, मैंने मुझे ना पता नहीं है कौन सा गॉनर का है, क्योंकि ये गॉनर ही नया है, ये गॉनर ही नया है, फिलोसॉफिकल थ्रिलर आप टाइप करो तो नाम नहीं आएगा किसी फिल्म का, है ना। तो मैं फिर से दोहरा हूँ, फिलोसॉफी एक ऐसा चीज है जो सबसे बड़ा थ्रिल देता है हम लोग को जिंदगी, मैं बस उसको आप लोग इस लाने के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अच्छा लग गया तो ये मेरे ट्रिप के लिए बिल्कुल काफी है, अच्छा लगेगा सर। जब ट्रेलर इतना अच्छा है तो मूवी डेफिनेटली तो बहुत अच्छी बिल्कुल होगी। है। ट्रेलर से एक आइडिया मिल जाता है कि कितना धमाल करने वाली है थिएटर्स में। जैसे हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई मेंटोर या इंस्पिरेशन होता है जिसको हम देख के हम इंस्पायर होते हैं, आपकी लाइफ में वो क्या चीज है या कौन सा ऐसा पर्सन मैं ऐसी जाति चाहता हूँ, एक तो इंडियन यहाँ पर आर्यभट्ट से लेकर मतलब विज्ञान कितना आगे था, नालंदा विश्वविद्यालय तक फिजिक्स का मतलब आज जो नया इंडियन मतलब जो वर्ल्ड फिजिक्स जो बता रहा है ये कब का चतुर्वेद में हो गया है ना, वेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी मतलब वेद जो चार जो वेद, और यहाँ का जो मतलब जो मेन कैरेक्टर आलोक चतुर्वेदी, तो उसके जरिए हम ये जो वेद जो अध्ययन है जो ज्ञान है सबको हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप और एक बार रिपीट करो जो मैं कम्युनिकेट करने वाला हूँ आपके साथ, आप अभी जो हाँ जो जी जो बताइए। आपने जो अभी जो सवाल किया जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, नहीं जी, आप जो अभी सवाल, हाँ, इंस्पिरेशन आपकी। तो ये मतलब इंस्पिरेशन मैं जो जाति का आता हूँ यहाँ आर्यभट्ट से लेकर, और क्योंकि मैं बंगाली हूँ केरल से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं सब जाति में बहुत सारे महापुरुष होते हैं, बंगाल में राइटिंग के लिए महापुरुष है रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल मिला है जिसको, सिनेमा के सत्यजीत रे है, बिल्कुल ऑस्कर मिला है जिसको, ये सब ना मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि लिखना कैमरा से बोलना, कैमरा तो एक जरिया होता है ना बोलने की, ये अगर मेरे महापुरुष में है मेरे पूर्वज में है और बंगाली और यही सब मेरा इंस्पिरेशन है, और भारतीय कल्चर वेद पुराण ये सब मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और मेरे आगे जितने भी काम किए हैं फिल्म में इतने मतलब बड़े 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 सब स्थिति है, ये सब मेरे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि एक का नाम मैं अलग से नहीं लूंगा, ये मैं इसको ना मतलब खाता हूँ, मैं इसको खाता हूँ, और ये सब मैं, और मैंने पहले बिल्कुल बताया कि मैं निमित्त हूँ माथा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, एक नेचर मुझे दे रहा है, लगता है कि ये टाइमिंग है और मैं आ गया आपके सामने ये फिल्म लेके। तो आप शुरू से ही डायरेक्टर बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन आपको नेचर ने या मतलब कह लो बाय गॉड ग्रेस आप इस फील्ड में आए। ये तो एक होता है कि बाय बॉर्न होता है कुछ चीज, आप शायद जो आर्मी में जाना चाहता है उसका ना एक जेनेटिकल जर्नी होता है, जो खाना पकाना चाहता है उसका जेनेटिकल जर्नी होता है, और तो ये तो मेरे साथ एक जेनेटिकल जर्नी में है, और ये जेनेटिकल जर्नी है, और देखो कि क्योंकि मैं जोर पूर्वक ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं बनना चाहता, और मेरा रोल मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ चार्ली चैप्लिन, चार्ली चैप्लिन क्योंकि उसका टैगलाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा आर्ट है तो उसका कोरियोग्राफी उसका म्यूजिक उसका मतलब स्टोरी लाइन उसका एक्टिंग पर टाइम उसका सेट उसका लाइफ कैसा बना, क्योंकि मैंने पहले बता कि सब पहले से रेडी करके रखता हूँ, और मैं एज एन एक्टर इस एक गाने में परफॉर्म नहीं किया हूँ, तो मैं गौरव तो मैं एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे अलग से भूमिका में नहीं सोचता हूँ, मैं बस सरस्वती का पुजारी हूँ, और जो जो विद्या जितना जितना मुझे भाता है और आता है और
आशीर्वाद मिल रहा है दोस्तों। मैं बस यही करना चाहता था जिंदगी भर, और मुझे अच्छा लग रहा है कि दिन के दिन दिन ब दिन ये मेरे हाथ में आ रहा है, और मैं सभी में बिजी हूँ। लिखना तो लिखने से शुरू होता है और एक्शन बोलने से खुद खत्म होता है। तो आप जब ये डायरेक्ट कर रहे थे मूवी द छिपकली द थर्ड पर्सन, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे क्या रहा लिए था? चैलेंज था, मैं पहले जैसे बोला कि ये जो मैंने सोच लिया उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको मतलब ऑर्गेनाइज करके उसके बाद उसको सही सही ढंग से उसको पेश करना, ये चैलेंज था, यही चैलेंज था बस। और कुछ कुछ चैलेंज नहीं है मेरे पास मेरे साथ। आपने आज तक अपनी लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क अपने प्रोफेशन को लेके क्या लिया? बहुत सारे ऐसे रिस्क है, घर वाले से एक एक जो आपको याद है, आप कभी भूल नहीं सकते और जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला हो। एक मेरे साथ बहुत खराब इंसिडेंट हुआ था, खराब या अच्छा मुझे पता नहीं है। मेरा थिएटर करियर में एक बार शो चल रहा था चंद्रगुप्त का, मैं उसमें लीडिंग एक्टर एक्टर के हिसाब से कर रहा था। वो 1200 लोग पूरा 1200 लोग पूरा हॉल में एकदम था। तो आधा घंटा पहले मुझे खबर मिला फोन से, मैं तब गया मेकअप कर रहा था कि मेरा मार्च होने से। अच्छा मैं ना उस दिन वो शो करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, और मैंने किया, और वहां पर डायलॉग भी था, तो मैं सचमुच का रो रहा था कि माँ कुंगी मेरा धर्म हो, वो कैरेक्टर में था, तो चंद्रगुप्त का कैरेक्टर में था। तो मैं जब अच्छा वो डायलॉग बोल रहे थे उस दिन, वो 25th शो था, उस दिन मुझे पता लगा कि मैं वो डायलॉग आज नहीं बोल रहा, वो निकल रहा है। तो माँ बाप से दूर रह के एक गाँव से आके कलकत्ता में बसना, आज भी मैं बॉम्बे में हूँ, कलकत्ता से आके मतलब स्वजन को छोड़ के, बंधु को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के दूर आके काम करना, ये ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है और एक्सपीरियंस होता है। और ये मैं कभी नहीं बोल सकता कि उधर 200 किलोमीटर दूर मेरा माँ की मतलब जो देह है, जो बॉडी वहां पर पड़ा में है, और मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ 1200 लोग के सामने, और ग्लास मिल रहा है मुझे, आई एम एंटरटेनर के हिसाब से। और किसी को वो पता नहीं है कि मैं कौन सा दुख झेल के और दबा के ये कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत स्मृतिदायक है। अच्छा इसलिए मैंने बोला कि अच्छा या बुरा पता नहीं है, लेकिन ये सब तो हो गया मेरे साथ। चलो, मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं हाँ आपसे दो मेन सवाल पूछूंगी। एक, आप मुझे छिपकली मूवी के बारे में ये बताओ, छिपकली कुछ ऐसा कि लोग और कन्विंस हो जाए जाके थिएटर थिएटर में में देखने के देखने, लिए। थिएटर में देखने के लिए एक सबसे बढ़िया तो एक बहुत मजेदार कहानी है, थ्रिलर है, जैसे होता है सवाल जवाब वाला, वो थ्रिलर तो मूवी एक देखूंगी, थिएटर में जाके मिलेगा। बहुत जिसको दर्शन, अमेजिंग। जो पीछे का जो दर्शन है, जिसको अगर ना ही समझ में आया और उसको अगर वो हटा भी दे, लेकिन बाहर का जो दिखेगा, जो एक्शन इमोशन पैशन और जो डायलॉग्स, इसका डायलॉग्स बहुत बढ़िया है, और म्यूजिक ये सब, और सिनेमाटोग्राफी आर्ट, ये सब आंखों को भाता है, कानों को भाता है, इतना तो दर्शकों को खींचेगा। लास्ट सवाल आपसे, आप अपने बारे में और अपनी टीम के बारे में हमें क्या बताना एक चाहेंगे? ही लाइन में बोलना चाहता हूँ, मेरा टीम है इसलिए मैं। बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू। और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे मैं ऑडियंस के साथ? इतना शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बहुत, हम लोग ने, मैं बोलना गलत होगा, हम लोग ने बहुत रिस्क ले थे, ये जो कमर्शियल फिल्म के बाजार में हम लोग छोटे से पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं। बस अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो ये चलना आगे बहुत दूर जाएगा, और मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया स्टोरी ला सकता हूँ, जिसकी अभाव है अभी इंडस्ट्री में। आपको देख लिया सब है, लेकिन स्टोरी नहीं है, मौलिक कहानी नहीं है, और मुझको वरदान है सरस्वती का, कलम तो अब चल रहा है, अब तक चल रहा है। तो आप लोग अगर साथ दो तो मैं अगले जितना दिन फिल्म में, हाँ फिल्म में रहूंगा, तो आपको एक बढ़िया से बढ़िया कहानी। हम आपके साथ हैं, ऑडियंस आपके साथ है, सारे जाएंगे देखने, और इवन आई विल शेयर इट विद माय थैंक यू फ्रेंड्स सर, फैमिली रिलेटिव, सबके साथ, सबको मैं लेके जाने वाली हूँ और सबको बोलने वाली हूँ आप जाओ मूवी देखकर आओ और जरूर कमेंट्स शेयर थैंक यू, करो। थैंक यू, श्योर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा है। थैंक यू सर, आपने अरे टाइम इसके लिए निकाला टाइम ऑनलाइन है आने मेरे के लिए, पास, लाइव आने के लिए और हमसे इसके लिए डिस्कस टाइम ही करने टाइम के है मेरे। थैंक लिए। यू, थैंक यू, थैंक नमस्ते यू सो मच नमस्ते, सर, नमस्ते, जो भी यू देखा, थैंक यू, जी, हाँ थैंक जी, यू, थैंक थैंक यू सर।